रिचर्ड द रंग स्कॉलर अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ओके तो ये चैप्टर रिचर्ड एब्रेट जो कि एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं उनके बारे में है उन्हें सेरेल स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लॉ अवार्ड दिए जा चुके हैं बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में योगदान देने के लिए ठीक है इनका साइंस में इंटरेस्ट या साइंटिस्ट बनने का सफर शुरू होता है बटरफ्लाइज की लाइकिंग से ओके नाउ लेट्स जंप इन टू द चैप्टर एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अफॉर्मर्स ऑफ इक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल वर्क ओके ये ट्वेंटी टू के थे 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 मतलब पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे. तो इन्होंने सेल की वर्किंग पे कि एक सेल कैसे काम करता है इस पर काम करना शुरू किया रिचर्ड एब्राइट एंड कोलीग रूममेट कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियोरी इन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस तो एब्राइट और उनके जो कॉलेज में रूम मेट थे उन दोनों ने मिल के इस थियोरी को एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल में जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम और पहली बार ऐसा हुआ था कि स्कॉलर साइंटिफिक जनरल में स्टूडेंट्स का आर्टिकल पब्लिश हुआ था इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स में नया नया कोई प्लेयर आता है और वो बहुत ज़्यादा हिट या रिकॉर्ड बना देता है उसी तरह की उनकी कंडीशन थी ठीक है कंडीशन इन देंस उस तरह का अचीवमेंट इनके लिए था एंड इट ऑल स्टार्टड विद बटरफ्लाइज इनका साइंस में जो अचीवमेंट थी वो सब बटरफ्लाइज की वजह से स्टार्ट हुआ क्योंकि बटरफ्लाइज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे होता है ना हमें बचपन में कोई चीज़ इतनी पसंद होती है कि वो लाइफ लॉन्ग या तो हमारी हॉबी बन जाती है या तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है तो उनकी साइंस में जो रुचि थी वो सब स्टार्ट हुआ बटरफ्लाइज के कारण एंड ओनली चाइल्ड तो ये जो रिचर्ड एब्रिट थे वो अपने पेरेंट्स के इकलौती संतान थे ठीक है इनका जन्म कहाँ हुआ था यूएसए के पेंसिल्वेनिया शहर के रीडिंग नामक गांव में ये रीडिंग कुछ और नहीं है ये गांव का नाम है ठीक है और ये क्या है अब क्योंकि ये एक गांव में जन्मे थे जहां उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है अब वो बेसबॉल या कोई ऐसा टीम गेम नहीं खेल सकते थे जिसमें ज़्यादा बच्चों की जरूरत थी क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे तो इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे कुछ करने के तो इन्होंने क्या किया कलेक्टिंग थिंग्स को अपनी हॉबी बना लिया ये क्या क्या कलेक्ट करते थे अदर देन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज मतलब बटरफ्लाई तो एक ऐसी चीज़ थी जो इन्हें इतनी पसंद थी कलेक्ट करना इकट्ठा करना कि उसके अलावा ये रॉक्स भी कलेक्ट करते थे फॉसिल्स कलेक्ट करते थे कॉइन्स कलेक्ट करते थे और इनकी इच्छा थी कि एक ये एस्ट्रोनॉमर बने क्योंकि इन्हें रात के टाइम चांद सितारों को देखना बहुत पसंद था ये बचपन से ही एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट थे क्यूरियस का मतलब क्या होता है जिसे बहुत जानने की इच्छा होती है ब्राइट माइंडेड तो थे ही ब्राइट माइंडेड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के और उनकी मदर जो थी वो उन्हें एक कांस्टेंट मोटिवेशन देती रहती थी और उन्हें इनक्रेज करती रहती थी जानने के लिए चीज़ों को पढ़ने के लिए सीखने के लिए शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स और वो उन्हें अब क्योंकि उनकी एक ही संतान थी तो वो उन्हें क्या है ट्रिप्स पर ले जाया करती थी उनके लिए टेलीस्कोप लाई थी उनके लिए माइक्रो माइक्रोस्कोप लाई थी सो so दैट उनका बच्चा और ज़्यादा ब्राइट बने और चीज़ों को समझे कैमराज लाई थी माउंटिंग मटीरियल लाई थी माउंटिंग मटीरियल मतलब वो सारी चीज़ें जिसकी हेल्प से वो चांद सितारों को और करीब से देखें और जाने एंड नी वे मतलब वो उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी जो कि उनकी स्टडीज में या लर्निंग में हेल्पफुल हो आई वॉज हिज ओनली कम्पेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल तो ब्राइड्राइड की मदर कहती हैं कि जब तक रिचर्ड ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था उनकी मदर उनकी कंपेनियन थी फ्रेंड थी एंड वो उनके लिए फ्रेंड्स को भी घर लेके आती थी जो उनके साथ खेलते थे और रात के टाइम केवल वो दोनों ही एक दूसरे के कंपेनियन होते थे उनकी मदर उनको बचपन में प्यार से रिची नाम से बुलाती थी जैसे हम सब का बचपन में एक नाम होता है ना गोलू मिठू लड्डू ऑल दैट सो उनकी मम्मी भी उनको रिची नाम से बुलाती थी शी एंड हर्सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल ठीक है तो उनका मोस्ट ऑफ द डे आई मीन एवरी डे इवनिंग का टाइम डाइनिंग टेबल पे गुजरता था और उनकी मम्मी क्या है उनके लिए अलग अलग तरह के काम ढूंढती रहती थी जिसे वो कर पाए ठीक है नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स वो उनको किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती थी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे वो सीख सके, पढ़ सके। उनकी मदर कहती हैं कि, कि इब्राइट को भी ये सब करना पसंद था Mother कहती हैं कि जो भी उनकी मदर उनको करवाना चाहती थी वो इब्राइट बड़े इंटरेस्ट के साथ करते थे एंड लर्निंग ही लर्न ही डेड जो भी उसकी मदर उसको सिखाना चाहती थी या उसके लिए एफर्ट करती थी वो सब उसने सीखा और वो स्कूल में टॉप ग्रेड्स लाता था मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट आता था ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड और बाकी अपने कामों में वो हर दूसरे बच्चों जैसा ही था ऐसा उसकी मदर कहती हैं और जब वो सेकेंड क्लास में आया तब तक उसका वो कलेक्शन ऑफ़ बटरफ्लाइज जो हॉबीज़ बन चुका था तो उसने अपनी लोकेलिटी के होम टाउन के अराउंड जितनी भी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज होती थी उनको वो ऑलमोस्ट कलेक्ट कर चुका था तो ये वो स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैं जिन्हें वो कलेक्ट कर चुका था दट प्रोबली बीन द एंड और क्योंकि वो स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई जो उनके घर के आसपास थी उन्हें कलेक्ट कर चुका था तो उन्होंने सोचा ये कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई तो काम खत्म हो गया ऐसा उन्होंने सोचा था जब तक उनकी मम्मी ने उनको एक बुक खरीद के नहीं दी जिसका नाम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स था ठीक है तो इस टाइटल की बुक उनकी मम्मी ने उनको ला दी क्या होता है मोनार्क इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई होती है और उस बुक ने इब्राइड को बटरफ्लाइज़ के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज दी कि कैसे वो माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका हो जाती है माइग्रेट मतलब अब होता है ना चिड़ियाँ जैसे इस सीज़न में यहाँ होती हैं अगले मौसम में वो कहीं और होती हैं उनकी अपनी अपनी नीड होती है शायद वो उस मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरी तरफ माइग्रेट हो जाती हैं तो इसी तरह जो अम, उस बुक से उन्हें पता चला कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट हो जाती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर तो इन सब इंफॉर्मेशन ने उस यंग कलेक्टर इब्राइट के को साइंस की तरफ इंटरेस्टेड किया तो उस बुक के एंड में रीडर्स को मतलब जो उस किताब को पढ़ रहे हैं उनको इनवाइट किया गया था किस लिए द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशन मतलब कि जो बटरफ्लाई का माइग्रेशन होता है उसके बारे में फर्दर कैसे पढ़ा जाए जाना जाए तो उसके लिए क्या करना था उन्होंने कि एक डॉक्टर है डॉक्टर फ्रेडरिक ए एर्कहाट जो कि बटरफ्लाईज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इन बटर जो भी आप बटरफ्लाई कलेक्ट करते हो पकड़ते हो उनको टैग कर दें क्योंकि ये जाके फिर दूसरी जगह दूसरे शहरों में चली जाती है वहाँ उन्हें पकड़ा जाएगा और फिर पता चलेगा कि ये कहाँ से आई हैं तो ये जो डॉक्टर उर्खाट थे वो क्या थे वो रिसर्चर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कनाडा में एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उर्खाड क्योंकि ये सेकेंड क्लास में थे एब्राइट बहुत छोटे थे तो इनकी बिहाफ से इनकी मदर ने डॉक्टर उर्खाड को लेटर लिखा एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू विंग्स ऑफ मुनाग और इन्होंने मुन्नाक जो इनके एरिया में ज्यादातर बर्ड ये बटरफ्लाइज पाई जाती होंगी ये मुन्नाक वाली स्पीशीज तो इन्होंने टैग करके भेजना शुरू कर दिया एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आज टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्खाट ठीक है तो जिसको भी ये बटरफ्लाई टैग बटरफ्लाई मिलती थी वो डॉक्टर उर्खाट को उसकी रीडिंग भेजें जो मतलब टैग किया गया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको भेजें The butterfly collecting season around reading last six weeks in last summer ठीक है late summer तो late summer में six week तक वो ये काम करते रहे If you are going to chase them one by one you won't catch very many ठीक है ए ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई तो उन्हें एहसास हुआ अगर वो एक, -एक बटरफ्लाई को पकड़ेंगे तो इसमें तो उन्हें बहुत देर लग जाएगी तो उन्होंने खुद अपने ही घर में बेसमेंट में एक लैब सेटअप करके वहाँ पे बटरफ्लाई को मतलब बटरफ्लाइज का झुंड रेज करना मतलब उन्हें पैदा करना शुरू किया ही वुड कैच अ फीमेल मोर्नॉक टेक हर एग्स एंड रेज दम इन हिज बेसमेंट थ्रू देर लाइफ साइकिल ठीक है तो इस तरह से फीमेल को इकट्ठा करके उसके एग्स को लेके उन्हें फर्टिलाइज करके उनकी लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करना एंड कैसे वो प्यूपास से कैटेपिलर फिर एडल्ट बटरफ्लाइज बनती हैं इन सब को स्टडी करना देन ही वुड टैक द बटरफ्लाईज़ विंग एंड लेट them गो ठीक है वो अपनी लैब में उनको बड़ा करते थे टैग करते थे और फिर भेज देते थे कोर्स वो यंग थे इसलिए इन सब कामों में उनकी मदर उनकी हेल्प करती थी फॉर सेवरल यर्स हिज बेसमेंट और बहुत सालों तक उनके घर का जो बेसमेंट था वो उनकी लैब बनी रही इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग तो धीरे धीरे क्या हुआ उनको ये बड़ा टीडियस बहुत बोरिंग काम लगने लग गया इसमें फ़ीडबैक भी नहीं मिलती थी तो उन्होंने इसे ऑलमोस्ट क्विट करने का फ़ैसला किया ए ब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डेड इट ही लाफ्ट ओनली टू बटर आई हैी कैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव ठीक है तो वो कहते हैं कि इस काम में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं मिल रहा था वो कह रहे थे मैंने इतनी सारी बटरफ्लाइज को टैग किया और उनमें से केवल दो ही को वापस कैप्चर किया गया या टैग जो उसका पर्पस था वो सक्सेसफुल हुआ अब वो कहते हैं दे वर नॉट मोर देन वो क्या है उनसे सेवेंटी फाइव माइल्स भी दूर नहीं थी ठीक है तो मतलब केवल सेवेंटी फाइव माइल्स ही उन्होंने ट्रेवल किया था एब्राइट के प्लेस से क्लास में पढ़ते थे ही काउंटी साइंस फेयर ठीक है फिर उन्होंने क्या है सेवेंथ क्लास में काउंटी साइंस फेयर को आप मेला समझ सकते हो या एग्जीबिशन समझ सकते हो वहां पे हिस्सा लिया तब जाके उन्हें रियल साइंस का मतलब पता चला अब उसमें उन्होंने हिस्सा तो लिया था लेकिन वहाँ उन्होंने कोई प्राइज़ नहीं जीता था वहाँ वो उन्होंने कंपटीशन लॉस्ट कर दिया था इट वाज रियली अ सॉट सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग थिंग एवरीबॉडी एल्स तो वहाँ पे क्या है उस कंपटीशन में हर किसी ने कुछ ना कुछ प्राइज़ जीता बट इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये बड़े डिप्रेस हो गए बड़े सैड हो गए बट ये वहाँ क्या लेके गए थे जिसकी वजह से इन्हें कुछ प्राइज नहीं मिला वो, वो साइंस फेयर में हिस्सा लिया था वो एक स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू के साथ उन्होंने वहाँ पे हिस्सा लिया था जिसके लिए इन्हें कोई प्राइज नहीं मिला ठीक है फिर उन्हें हारे तो लेकिन एक लेसन भी समझ में आया कि अगर आपको जीतना है तो आपको सिंपली कोई सा मॉडल प्रेजेंट नहीं करना है। आपको वहाँ एक रियल एक्सपेरिमेंट दिखाना है ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिंग और जो उसके बाद हारने के बाद उन्होंने काम शुरू किया उसमें साफ दिखाई देता था कि इस हार ने उन पर किस तरह का पॉजिटिव इफेक्ट डाला I know that for the next year, और उन्हें पता था कि अगले साल जब वो इस कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे तो उन्हें एक सॉलिड रियल एक्सपेरिमेंट तैयार करना है उसके लिए ही सेड the subject i knew was most about the insect work i would been i had been doing in the past several years aur wo jo next year jo apna experiment leke yahan pahunchenge uska subject wahi rehne wala hai jis pe ye pichle kai saalon se kaam kar rahe hain about the insect work theek hai तो इन्होंने वो और खार जो toronto में एक research पे involved थे उनको letter लिखा about the idea उनको आइडिया चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन मतलब एक पूरी लिस्ट ऑफ सजेशन उनको मिल गई फॉर एक्सपेरिमेंट क्या उनको एक्सपेरिमेंट चाहिए ठीक है तो दोज कैप्ट उन सारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ने एब्राइट को बिजी रखा पूरे साल भर हाई स्कूल में एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर तो इस वजह से उनकी इस मेहनत ने केवल उन्हें काउंटी साइंस फेयर में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में कई प्राइजेस जितवाए फिर वो एट्थ क्लास में आए तो तब क्या हुआ एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ़ अ वायरल डिजीज़ तो अब उन्होंने क्या है कि ऐसे वायरल डिजीज़ का कारण ढूंढा, ढूंढने का एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि उनके एरिया में रहने वाले जो मुन्ट कैटरपिलर मतलब बेबी मोनार्क थे वो हर साल मर रहे थे तो वो कौन सा वायरल है वो कौन सी डिजीज़ है ए ब्राइट थाट द डिज़ीज माइड भी कैरीड बाय अटल बीटल क्या होता है एक इंसेक्ट होता है उन्हें लगा कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं इनके मरने का कारण शायद ये है बीटल्स हैं इंसेक्ट है कोई तो उन्होंने क्या है कि कैटरपिलर्स को जो मुनाक कैटरपिलर्स हैं उनको बीटल की प्रेजेंस में ही ग्रो करना शुरू किया वो उनके जो बेसमेंट में जो एक्सपेरिमेंट हाउस बना हुआ था ठीक है लैब बनी हुई थी तो वहीं पे उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू करो आपको पता है ना वो प्रोसेस कैसे मोनार्क फीमेल से एग लेके फिर उसको फर्टिलाइज करके है ना तो उस तरह से बीटेल की प्रेजेंट में क्योंकि इससे क्या पता चलना था कि बीटेल कैसे असर डालते हैं और क्या ये बीटेल ही रीज़न है उनके मरने का आई डिनट गेट एनी रियल रिजल्ट उनको इसके कोई खास रिजल्ट तो नहीं मिले बट tried the experiment this time I won और अपना वो एक्सपेरिमेंट लेके जो उन्होंने ट्राई किया था ये एक्सपेरिमेंट लेके वो कॉम्पिटिशन में गए कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हूँ वहाँ को इस बार प्राइज़ मिला द नेक्स्ट ईयर हेज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइस राय बटरफ्लाई जैसे मोनार्क बटरफ्लाई होती है वैसे ही वाइस वायसराय भी क्या है बटरफ्लाईज की एक ब्रीड है कॉपी मोनार्क तो नेक्स्ट में क्या उन्हें टेस्ट करना था प्रोजेक्ट क्या था उनका कि टेस्टिंग कि जो वाइस राय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है मतलब उनकी नकल करती हैं ये उनको थियोरी में टेस्ट करना था दी वैट वॉइसराय लुक लाइक मोनार्क, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स अच्छा बर्ड्स को मोनार्क, अब क्योंकि बर्ड बड़ी होती है मोनार्क छोटी तितली होती है ठीक है तो बर्ड्स को मोनार्क का टेस्ट पसंद नहीं है अब क्या है वॉइस वो जो उनकी थियोरी के अकॉर्डिंग वॉइस रॉय जो है वो एग्जैक्टली exactly, वॉयसराय क्या है ब्रीड ऑफ बटरफ्लाई टाइप ऑफ बटरफ्लाई है वो एग्जैक्टली exactly दूसरी ब्रीड ऑफ बटरफ्लाई जो कि मोनार्क है मतलब वॉयस राय और मोनार्क दिखने में एक जैसी लगती हैं ओनली उसमें डिफरेंस क्या है कि बर्ड को मोनार्क टेस्टी नहीं लगती हैं वॉयस रायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स जबकि बर्ड्स को वॉइस ट्राई बटरफ्लाई टेस्टी लगती हैं सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर अब क्योंकि वो उसकी मुनाक की तरह लगती थी इसलिए बर्ड्स का वो ज़्यादा डिनर नहीं बन पाती थी बर्ड्स मतलब उनमें इंटरेस्ट नहीं थी दो उनको वॉइस ट्राई टेस्टी लगती थी लेकिन क्योंकि वो दिखने में सिमिलर थे इसलिए बर्ड्स सोचती थी कि ये भी मुनाक है इसलिए इसको नहीं खाना है

उनकी तरह फूड नहीं खाती है मतलब उनको पसंद आने वाला खाना नहीं खाती है उट वुड ईट ऑल द द्स इट वुड गेट ये स्टारलिंग बर्ड जो होती है उसको केवल मुन्क ही पसंद होते हैं वो सारे मुनाक्स खा जाए अगर उसको मिल जाए तो इब्राइट सेड लेटर सर्च बाई अदर पीपल शोड दैट शोर दैट वॉइस कॉपी द द्क एंड फाइनली जो बाकी लोग कहते थे र्च बाय अदर पीपल ठीक है एब्राइट ने बाद में कहा जो बाकी लोग अदर पीपुल शोड जो बाकी लोगों ने दिखाया था कि बॉयस ट्राई प्रोबली डू कॉपी द मन्नार्क ठीक है दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर तो इस एक्सपेरिमेंट को जूलॉजी सेक्शन में फर्स्ट प्राइज मिला लेकिन ओवरऑल काउंटी में थर्ड प्राइज मिला How how is the county butterfly top different from the बटरफ्लाई टॉप butterfly? ठीक है तो ये ऊपर वाला जो है क्या है मोनार्क है और नीचे वाला वॉइस ट्राई है ये कैसे सिमिलर दिखता है देखिए डिफरेंस तो दिख ही रहा है लेकिन सिमिलैरिटी भी है सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे तब उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट किया जिसकी लास्ट बाद में डिस्कवरी में ये पता चलता है कि इंसेक्ट्स में एक अनोन सा हॉर्मोन होता है इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल तो इनडायरेक्टली ये न्यू थियोरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल के बारे में है द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर व सिंपल मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका उन्होंने सिंपल आंसर ढूंढने की कोशिश की है वॉट इज द पर्पज ऑफ ट्वेल्व तो वो क्वेश्चन क्या है

अच्छा अब सब ने कहा कि वो तो केवल ब्यूटीफुल दिखने के लिए होते हैं ऑर्नामेंट टाइप के होते हैं सजाने के लिए उसको लेकिन इब्राइट कहते हैं डॉक्टर उलखाट तो ऐसा नहीं समझते उनका मानना तो ऐसा नहीं है टू फाइंड द आंसर इबराइट एंड अदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट है डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट तो इब्राइट ने दूसरे एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट के साथ मिलके पहले तो ऐसा डिवाइस बिल्ड किया जो ये दिखा सके कि ये जो हार्मोन होता है बटरफ्लाई में वो नहीं बटरफ्लाई में ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो बटरफ्लाई की फुल ग्रोथ के हो, हेल्पफुल होता है ग्रोथ में हेल्पफुल होता है This project won a bright first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair. ठीक है तो देखिए कैसे उनकी एक्सपेरिमेंट निखरती जा रही थी और निखरती इन द सेंस लेवल अप होती जा रही थी हर कंपटीशन के बाद वो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा था और के उनके प्राइजेस भी उसी तरह से पहले वो काउंटी फेयर में एक भी प्राइज़ नहीं जीते फिर वो फर्स्ट आए जोलॉजी में फिर थर्ड आए ओवरऑल एंड अब तो उन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला और इससे फर्स्ट प्राइज़ मिलने की वजह से क्या है उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल गई देर ही वन थर्ड प्राइज फॉर place for geology. He also got a chance to work during the summer at the etymology Li laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. theek hai to isse kya hua उन्हें fine equipment के साथ एक नए lab में काम करने का मौका मिल गया। Etymology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ठीक है, as a high स्कूल जूनियर ठीक है पहले वो सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल थे अब वो क्या है हाई स्कूल जूनियर मतलब एक क्लास आगे रिचर्ड एब्राइड कंटिन्यू हेड एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्यूपा और वो मुन्ना प्यूपा या मोनार्क बटरफ्लाई की जो इनिशियल स्टेज होती है आफ्टर बर्थ उस पर ही अपनी एडवांस रिसर्च करते रहे

In his senior year he went a step further or his senior year mein wo ek aur step aage He grew cells from a monarch's wings in a culture, culture means artificial way and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they are fed the hormone from the gold spot. ठीक है अगर उन्हें उन गोल्ड स्पॉट में जो हार्मोन होता है वो दिया जाए उससे फीड किया जाए मतलब खिलाया जाए तो उनके जो विंग्स हैं वो डेवलप करते हैं दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फोर द वर्क एट द आर्मी लेबोरेट्री एंड एट द लेबोरेट्री ऑफ यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देखिए कैसे उन्हें ये डिफरेंट लेबॉरेट्रीज़ में जाना लेवल अप होने का मतलब क्या उन्हें अच्छी एडवांस लेबोरेटरी में फ़ाइन इक्विपमेंट के साथ काम करने के लिए मिल रहा था जिससे उनकी एक्सपेरिमेंट निखरती जा रही थी एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे थे द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो उन्होंने स्कूलिंग पूरी कर ली अब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और उनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड फिश और उन्होंने और रिसर्च किया डिटेल में अबाउट द गोल्ड स्पॉट ऑफ मुन्नार्क यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बोला था ना कि वो एडवांस लेबोरेटरी थी जहाँ के बहुत sophisticated, मतलब फाइन इंस्ट्रूमेंट बहुत हेल्पफुल हो रहे थे हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर ठीक है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे उन सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की मदद से की हॉर्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है अब एडवांस लेबोरेटरी में एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे एक्सपेरिमेंट्स में रुकावट नहीं आती है अ ईयर एंड अ हाफ लेटर मतलब एक 1.5 साल के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल ठीक है तो जब वो क्या है एक 1.5 साल बाद उन्हें एक नया आईडिया आया अबाउट द थ्योरी ऑफ अ सेल लाइफ It came while he was looking at जो उनके ब्लैक स्पॉट थे उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहे थे उसका जब वो एक्सरेक्सरे देख रहे थे तो उनको ये आइडिया आया अबाउट दी ऑफ द सेल लाइफ वेन ही सो दो फोटो मतलब एक्सरेज फोटो देख रहे थे इब्राहिम डिड नॉट शाउट उन्होंने चिल्लाया नहीं यूरेका मतलब यूरेका का मतलब फाउंड समथिंग न्यू और इवन आई हैव गॉट इट वो एकदम शांत रहे उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखा बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल ये एक बायोलॉजी में बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसका अभी तक आंसर नहीं मिला था कि सेल कैसे डी एन ए के ब्लू प्रिंट को रीड करता है ठीक है डी एन द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी क्या होता है डी एन ए क्या है सेल के न्यूक्लियस में होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है तभी तो हम क्या कहते हैं फादर के गुण बेटे में बेटे के गुण बेटे में तो ये कैसे होता है डीएनए क्योंकि उनका सेम होता है इसलिए जो हैबिट्स होती हैं वो हेरिडिटी होती हैं इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल और ये क्या डिटरमाइन करते हैं डीएनए किसी भी सेल का फंक्शन डस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ और इस तरह से प्रूव होता है कि डी एन ए लाइफ का ब्लू प्रिंट है क्योंकि वो सेल का ब्लू प्रिंट होता है एंड हमारी बॉडी किससे बनी है प्लास्टिक से मॉडल्स ठीक है वो और उनका जो क्लास कॉलेज रूम में था वो सारी रात उसी फोटो को स्टडी uh, करते रहे और प्लास्टिक स्ट्रक्चर बनाते रहे मॉडल बनाते रहे टू शो हाउ इट कुड हैपन मतलब उनको पता तो चल गया था लेकिन अब ये दूसरे को कैसे प्रूव करें कैसे दिखाएं तो उसके लिए वो सारी रात काम करते रहे टू दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी तो ये उनका अकेले का नहीं है उनके जो रूम जेम्स आर वोंग थे उनका भी इसमें है। उन्होंने इस को में किया। और जिसे अभी तक कोई नहीं जाता, जानता था ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर ठीक है वो हाईएस्ट ऑनर से हार्वर्ड से पास हुए सेकंड इन क्लास ऑफ 1510 हंड्रेड टेन एब्राइड वेन टू

कैंसर या अदर ड्रेडफुल डिजीज़ को क्योर करने में प्रिवेंट करने में आसानी हो जाएगी ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और ये सब पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से स्पॉट्स ऑन दिली लेट हिम टू हिस्स थियोरी अबाउट सेल लाइफ जो उनकी जो बटरफ्लाईज uh, के जो ब्लैक स्पॉट के पर्पस थे उसने फाइनली थियोरी ऑफ सेल लाइफ को एक्सप्लेन किया रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज ठीक है ये हमने देख लिया है कि उनकी पहली बार साइंस में रुचि बटरफ्लाई को कलेक्ट करते टाइम ही हुई थी बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट इसके अलावा वो और चीज़ें जैसे रॉक फॉसिल भी कलेक्ट करते थे एज अ अस्ट्रोनमर बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें रात को चांद तारे देखना पसंद था लेकिन अब उनका इंटरेस्ट स्टडी ऑफ बटरफ्लाई में इतनी ज़्यादा हो गई कि और किसी चीज़ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड

पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्जिबिट उनको एक फोटोग्राफर थे एंड उनका फोटोग्राफी जो था वो पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट पे बेस्ड था इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट इन देंस वो बहुत ही ज़्यादा स्टडी uh, में ही इंटरेस्टेड थे और टॉप क्लास के स्टूडेंट थे अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी वो कहते थे लर्निंग बहुत ईजी है इसलिए मैं फर्स्ट आता हूँ ही टर्न अ लॉर्ड ऑफ हज एनर्जी टू वर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन्स क्लब्स और वो क्योंकि कहते थे पढ़ना तो बहुत आसान है सीखना बहुत आसान है लर्निंग इज़ वेरी ईजी फॉर हेम इसलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम क्या है डिबेटिंग और क्लब्स में मतलब वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग में स्पेंड करते थे ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर वहाँ उन्हें कौन मिला उनके एक सीक्रेट एडमायर थे रिचर्ड ए वेहर हे सोशल स्टडीज टीचर उनके शो उनके सोशल स्टडी टीचर थे कौन रिचर्ड ए वेर जो उनके बहुत सीक्रेट एडमायर थे एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स उन्होंने इन्हें इन क्लब्स की एडवाइस दी थी मिस्टर वेरर वाज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन वो उनके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन थे क्यों क्योंकि लर्निंग तो उनको बहुत आसान लगती थी उसमें उनको ज़्यादा हेल्प की जरूरत नहीं होती थी लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग डिबेट एंड क्लब को ज्वाइन करने का उन्हें आइडिया किसने दिया रिचर्ड ए ने तो वो उनके लिए एक परफेक्ट हेल्प थे ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ एब्राइट सेट एब्राइट उन्हें क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि उन्होंने ही मेरा दिमाग नए आइडियाज़ के लिए खोला रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर सेड वो कहते थे कि एफर्ट तो सब लगाते हैं अपने काम पे लेकिन रिचर्ड वो बच्चा था जो हमेशा अपना बेस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये होता है पुट इन योर बेस्ट What pleases me was here was this person who put in three or four hours at night doing debate research, beside doing all the research with butterflies and his other interests. मिस्टर वेहरर रिचर्ड के बारे में तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ये अपनी बटरफ्लाई की स्टडीज़ एंड अदर इंटरेस्ट को परस्यू तो करता था लेकिन उसके अलावा रात में तीन चार घंटे डिबेट रिसर्च को ज़रूर देखता था वो साइड बाय था रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव क्या है रिचर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के थे कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन करना जिन्हें पसंद था मिस्टर वेयर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस देखिए कंपटीशन दो तरह के होते हैं एक पॉजिटिव कंपटीशन एक नेगेटिव कंपटीशन पॉजिटिव तो ये रिचर्ड वाला है नेगेटिव में क्या होता है आप अपने कंपटीटर को हराने के लिए कोई भी मींस यूज करते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो चाहे वो कितनी घटिया हरकत ही क्यों ना हो तो वो बैड कॉम्पिटिशन होता है बट ही वॉज कॉम्पिटिटिव इन अ गुड सेंस ही एक्सप्लेन गुड कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाला अगर आपसे तेज है बहुत ज्यादा टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट है तो आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो उससे विन करने के लिए ये पॉजिटिव होता है ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज वो कहते थे रिचर्ड को कभी इंटरेस्ट नहीं था कि वो जीतने के लिए ही कोई काम करें या केवल प्राइज के लालच में ही rather he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons he wanted to be the best or wo hamesha sahi karan karte the and best बनना चाहते थे एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स मतलब किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए चीज़े होती है ना तो वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स होती हैं सामान इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट साइंटिस्ट मतलब एक को बनने के लिए जितनी भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जितनी भी क्वालिटीज होती हैं स्टार्ट फर्स्ट रेट माइंड जिसमें एक इंग्रेडिएंट क्या होता है एक फर्स्ट क्लास माइंड मतलब एक ब्रिलियंट माइंड एड क्यूरियोसिटी उसमें क्यूरियसिटी भी होनी चाहिए मतलब जानने की इच्छा एंड मेक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीजन और सही कारण के लिए जीतने की इच्छा ज क्वालिटी और एब्राइट में ये तीनों क्वालिटीज मौजूद थी फ्रॉम द बुक दुनार्क ओपन दर्ल्डिफिक और जब से उसे उसकी मदर ने वो बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क दी थी उस बुक ने उसके Ebright के लिए साइंस के दरवाजे तो खोले ही खोले लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद उसकी साइंस में क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुई बढ़ती ही रही बढ़ती ही रही तो यहां पर हमारी स्टोरी या चैप्टर खत्म हो जाता है दम्बल रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इफ यू आर न्यू टू चैनल सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू